उत्तराखंड में इस साल आए बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्निर्माण में मदद करने और राज्य में अपने निरंतर विकास प्रयासों को जारी रखने के लिए रिलायंस समूह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस मौके पर अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस दुख के इस घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में कहा कि हमें उम्मीद है कि ये पहल उत्तराखंड के लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के राज्य सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएगी। इस सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनंत अंबानी को धन्यवाद कहा है। इस साल जुलाई और अगस्त के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। रिलायंस 2013 के हादसे के बाद से ही उत्तराखंड के साथ खड़ा रहा है। रिलायंस ने 2 स्कूलों का पुनर्निर्माण किया है जो 30 गांव में बच्चों की देखभाल करते थे। रिलायंस ने 2021 में बाढ़ के बाद कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य के लोगों का साथ निभाया है। तो उत्तराखंड में इस साल आए बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्निर्माण में मदद करने और राज्य में अपने निरंतर विकास प्रयास को जारी रखने के लिए रिलायंस समूह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस मौके पर अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस दुख की इस घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। अनंत अंबानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में कहा कि हमें उम्मीद है कि ये पहल उत्तराखंड के लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के राज्य सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएगी। इस सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनंत अंबानी को धन्यवाद कहा है। इस साल जुलाई और अगस्त के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। रिलायंस 2013 के हादसे के बाद से ही उत्तराखंड के साथ खड़ा रहा है। रिलायंस ने 2 स्कूलों का पुनर्निर्माण किया जो 30 गांवों में बच्चों की देखभाल करते थे। रिलायंस ने 2021 में बाढ़ के बाद कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य के लोगों का साथ निभाया।